गौमुख, वो स्थान जहाँ पे महादेव जी ने श्री गंगा माँ को अपनी जटाओं में धारण किया था, और ये वही स्थान है जहाँ पे पहली बार श्री गंगा माँ ने धरती को स्पर्श किया था। गौमुख सफर की शुरुआत होती है श्री गंगोत्री मंदिर से, और श्री गंगोत्री मंदिर से कठिन सफर तय करके हम पहुंचते हैं गौमुख। मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे सकूं, जरूरी हाइलाइट्स दिखा सकूं, और इसी हाइलाइट्स में शुरुआत होती है हमारी इस शाइन बोर्ड से। इस शाइन बोर्ड पे पूरी जानकारी किलोमीटर वाइज लिखी हुई है। हमें जाना है गौमुख तक, जिसकी दूरी 19 किलोमीटर है। मंदिर से निकलते हुए हम इस तरह के रास्ते से शुरुआत करते हैं जो आगे इस तरह का हो जाता है। इस सफर में आपको प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच भरपूर मिलेगा। हेलो एंड वेलकम, मैं आपका दोस्त रोज स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर, इंडिया टूर सीरीज वीडियो नंबर 22। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज की मेरी वीडियो है गौमुख की। मेरी कोशिश रहेगी कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं और जरूरी बेसिक चीजें वो बता सकूं। गौमुख वो स्थान है जहाँ पे महादेव जी ने श्री गंगा माँ को अपनी जटाओं में धारण किया था। गौमुख वो स्थान है जहाँ पे पहली बार स्वर्ग से गंगा जी ने धरती को स्पर्श किया था। गौमुख वो स्थान है जहाँ ऋषि भागीरथ ने अपनी कलकों की तपस्या को पूर्ण किया था। भागीरथ के कठोर तप के बाद में श्री गंगा माँ स्वर्ग से धरती पे अवतरित हुई, और साथ ही भागीरथ के पूर्वजों को जिनको श्राप था, मुक्ति नहीं थी, उनको मुक्ति मिली। गौमुख ग्लेशियर से लेके देवप्रयाग तक श्री गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ संगम के बाद में इसको गंगा नदी बोला जाता है। अब बात यहाँ पे कुछ जरूरी परमिट्स की। यहाँ पे दो परमिट की जरूरत होगी, पहला उत्तरकाशी SDM से, यहाँ पे करीब करीब 1000 रुपए के आसपास पर पर्सन, और दूसरी परमिट आपको गंगोत्री नेशनल पार्क के लगेगी जो कि 150 पर पर्सन है। सबसे बड़ी बात, गाइड कंपलसरी है, आपको एक गाइड हमेशा अपने साथ रखना ही होगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका सफर अच्छा रहेगा। सफर की शुरुआत में सबसे पहले हमें खाना पीना है, कोशिश करें जब आपको मौका लगे तभी खा पी लें, क्योंकि इस सफर में जब आप एक बार शुरू हो जाते हैं तो पहला जो स्टॉप है वो चीरवासा है, जो करीब करीब 8-9 किलोमीटर पे है। खाने पीने की व्यवस्था उधर ही है। उसके बाद में जो दूसरा स्टॉप है वो भोजवासा है, जो गौमुख ग्लेशियर से करीब करीब 4 किलोमीटर पहले है। हालांकि रास्ते में कई जगह आपको झोपड़ियां मिलेंगी आराम करने के लिए, और साथ ही सुंदर सुंदर नजारे। गौमुख यात्रा की शुरुआत गंगोत्री मंदिर से होती है। लगभग 20 किलोमीटर लंबे सफर को अगर आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो एक दिन में अप डाउन कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक तकलीफ में हैं तो 2 से 3 दिन तक भी आप इस सफर को रख सकते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो बिल्कुल फिट हैं वो यहाँ पे भाग दौड़ के एक दिन में इस सफर को पूरा कर सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप 2 दिन जरूर लें। यात्रा में पहले दिन का जो आपका स्टॉप होगा वो भोजवासा होगा, जो कि गंगोत्री मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर है। कई बार श्रद्धालु ये करते हैं कि गंगोत्री मंदिर से गौमुख तय करने के बाद में वापसी में भोजवासा रुकते हैं, और कई बार श्रद्धालु ये करते हैं कि गंगोत्री मंदिर से सीधे ही भोजवासा रुकते हैं और अगले दिन अपने सफर की शुरुआत करते हैं। सफर में आपको बेहतरीन दृश्य, दुर्गम रास्ता, हरियाली, और सबसे बड़ी बात आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पे पल पल में मौसम बदलता है। कभी तेज धूप होगी, कभी छांव होगी, कठिन रास्ते हैं, इसलिए आपको कोशिश करनी होगी कि आप एक पानी की बोतल जरूर रखें। गर्मी के मौसम में तो कैप रखें, साथ में जैकेट भी रखें, क्योंकि आपकी शुरुआत में आपको गर्मी का एहसास होगा और यात्रा संपन्न होने पे सर्दी। जब आपका सफर गंगोत्री मंदिर से शुरू हो जाता है तो लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद में आप गंगोत्री नेशनल पार्क में एंट्री करते हैं। आपकी दूसरी परमिट इधर ही बनाई जाती है, जो कि आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं और ऑफलाइन भी बना सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप यहाँ से आगे क्रॉस आउट करते हैं, यहाँ पे आपका बैग चेक किया जाता है और बैग में आपके सामान देखा जाता है कि खाने पीने की या और आपकी जरूरत का क्या क्या सामान है। अगर आपके बैग में प्लास्टिक है तो ये आपको वापस लानी होगी। अगर आप प्लास्टिक नहीं लाते वापस तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, आपको फाइन देना पड़ेगा।
इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके उतना कम से कम वेट कैरी करें और प्लास्टिक के रैपर या अदर चीजों को आप वापस लें, कि आपको परमिट लेनी ही होती है। कई बार विजिटर ये सोचते हैं कि आप विदाउट परमिट के भी यात्रा कर सकते हैं, जो कि नहीं है पॉसिबल। आपको यात्रा करने के लिए परमिट लेनी ही होगी और कोशिश करें कि आप परमिट पहले से ही लेके रखें। इस सफर में कई जगह आपको इस तरह के ब्रिज दिखेंगे, इस तरह के रास्ते दिखेंगे, और अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आपको यहाँ पे जंगली जानवर भी दिखाई देंगे। वैसे तो मैंने पूरे दिन का शेड्यूल आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी क्लियर कर दूं। पहले हम गंगोत्री से शुरू कर रहे हैं, जो कि चीरवासा 9 किलोमीटर है, भोजवासा करीब करीब 14-15 किलोमीटर है, और उसके बाद में 4 किलोमीटर हमारा गंगोत्री रह जाता है भोजवासा से। अगर किलोमीटर वाइज डिस्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 किलोमीटर आराम से आप तय कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो यहाँ के रास्ते होते हैं। कहीं पे भी लैंडस्लाइड हो रहे होंगे या कहीं पे भी पेड़ रास्ते के ऊपर पड़े होंगे, बहुत जगह रास्ता बहुत सकरा है, चलने में परेशानी होती है, तो इस वजह से आपका टाइम ज़्यादा लगता है। और मैक्सिमम विजिटर्स कोशिश करते हैं कि वो शाम तक भोजवासा पहुँच जाए। और इसी कठिन और दुर्गम रास्ते के कुछ दृश्य, और थोड़ी कठिनाई के बाद में हम पहुंच जाते हैं चीरवासा अपने पहले स्टॉप पे। हमारी यात्रा, हमारे सफर का जो पहला पड़ाव है वो चीरवासा है, जो कि लगभग 8-9 किलोमीटर है। यहाँ पे हमें खाने पीने की व्यवस्था मिलती है, और दिन का जो हमारा लास्ट स्टॉप होता है वो भोजवासा है। यहाँ पर खाने के लिए पराठे वगैरह उपलब्ध है, और पीने के लिए काली चाय और अदर ड्रिंक्स है। लेकिन अगर आपके पास फल हो तो आप इन्हें खाइए। आपके सफर में गंगोत्री से ही लगभग गौमुख तक कई बार छोटे छोटे स्टॉप हैं, झोपड़ियां बनी हुई हैं। आप चाहे तो वहाँ पे आराम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। आपके पास अगर अपना कुछ भी खाने पीने का है तो आप इन्हीं स्टॉप्स पे रुक के खा पी सकते हैं। जब आप इस तरह की यात्रा करते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, और स्वस्थ आप तभी रहते हैं जब टाइम पे खाते पीते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी इन कंडीशंस को अडेप्ट कर लेती है। पल पल में धूप होती है, छांव होती है। इस सफर में आपको कई पर्वतमालाएं दिखती हैं, जैसे भागीरथी 1, 2, 3, मेरू पर्वत और शिवलिंग। और उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में पहले हम देखते हैं भागीरथी 1, 2, 3 और फिर माउंट शिवलिंग। यहाँ पे और भी कई चोटियाँ हैं जिनके मुझे नाम नहीं पता है। ताकि आप जब सफर में चलते हैं तो आपको कई तरह के खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, अलग अलग तरह के पेड़, झरने, चट्टाने और दुर्गम रास्ता भी आपको देखने के लिए मिलता है। इस सफर में आपको प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज्यादा दिखाई देती है। एक तरफ कच्चे पहाड़ हैं जो कभी भी टहल सकते हैं, दूसरी तरफ खाई है, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, तो कई तरह के जंगली जानवर भी मिलेंगे। साथ में सबसे बड़ी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप बरसात के दिनों में यहाँ आने से बचें, क्योंकि लैंडस्लाइड काफी होता है, पत्थर काफी गिरते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जान मान का नुकसान होता है। बरसात के मौसम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी आप पूरे साल यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, आपको व्यवस्था अच्छी मिलेगी और साथ में आपको यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे भी मिलेंगे। सफर में चलते चलते आप पहुंच जाते हैं भोजवासा। यहाँ पे आश्रम भी है और आपके रुकने के लिए यहाँ पे टेंट की व्यवस्था है। ज्यादातर यहाँ पे ये सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। भोजवासा से गौमुख मात्र 4 किलोमीटर है, तो कोशिश करें आप कि भाई शाम तक जाते टाइम या फिर गौमुख करते वापिस टाइम आप भोजवासा ही रुके। कई बार गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में भी आप ठहर सकते हैं और अलग से भी रह सकते हैं। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में ठहरने का यहाँ पे काफी अच्छा विकल्प है, तो आप कोशिश करें कि भाई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही लें। ये वो स्थान है जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे आपको सर्दी का एहसास 12 महीने किसी भी मौसम में होगा, तो आप कोशिश करें कि आपके साथ कुछ ना कुछ जैकेट वगैरह यहाँ पे जरूर हो। साथ में आपको यहाँ पे रोप की मदद से आपको भागीरथी नदी क्रॉस करनी है, और फिर आप पहुंच जाते हो बिल्कुल भागीरथी नदी के मुख पर, यानी कि गौमुख। के लिए दो रास्ते हैं। पहला, आप गंगा नदी यानी कि भागीरथी नदी को ट्रॉली के सहारे क्रॉस करते हैं और मेन गौमुख स्रोत तक पहुंचते हैं। दूसरे रास्ते की कमी यह है
कि ये रास्ता आपको गौमुख स्रोत से काफी पहले ही छोड़ देता है, जबकि आप जब गंगा नदी को ट्रॉली के थ्रू क्रॉस करते हैं तो ये रास्ता आपको गौमुख स्रोत तक ले जाता है। साथ ही ये रास्ता आपको आगे तपोवन और बाकी जगहों को भी ले जाता है। जब आप ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं तो यहाँ का नज़ारा, यहाँ का एक्सपीरियंस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पे चारों तरफ इतनी असीम शांति, खूबसूरत पहाड़, बर्फ से लदे हुए बहुत 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 मनमोहक दृश्य, और इन मन मोह लेने वाले दृश्यों में बढ़ोतरी तब होती है जब आप इस स्थान को देखते हैं। ये है गौमुख। जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपकी सारी थकान, सारी टेंशन दूर हो जाती है और आप देखते हैं प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक जल, और ये वही जल है जो कल्पों से हमारे मानव कल्याण के लिए स्वर्ग से धरती पे बह रहा है। जब भी आप ऐसे स्थानों पे आते हैं तो कोशिश करें कि बिल्कुल भी गंदगी ना करें, क्योंकि मानव प्रदूषण के कारण ये स्थान धीरे 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 पीछे खिसक रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और कई किलोमीटर पीछे तक इस टाइम पे अब ये ग्लेशियर बचे हुए हैं। तो कोशिश करें किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। यहाँ पे चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता है, आपका मन चारों तरफ पहाड़, बादल और नदी झरनों को देख के प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो आएगी और उसके बारे में कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं और आपको जरूरी बातें बता सकूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट। हमारे साथ आप बने रहें, आपको जल्दी और अच्छी